सॉरी मैडम, ये जनता है, थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास ही सही। जरा जल्दी कीजिए, ट्रेन छूट रही है। मुंबई, जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज। इतनी जल्दी है तो घर से जल्दी निकला कीजिए ना। प्लीज, ये रही आपकी टिकट और उसके पैसे 42 टिकट। ए मैम साहब, अरे अपने पैसे तो लेते जाइए। ये आपको पैसा मास्टर साहब ने दिया। ये रात मुंबई जा रही थी। जी हाँ, मेरी ट्रेन मिस हो गई। दूसरी ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 6:05। 6 बजे? जी। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं? ट्रेन तो बहुत सी है लेकिन यहाँ कोई नहीं रुकती। इस वक्त तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। पूरी रात बाकी है, कहाँ गुजारे? स्टेशन मास्टर, अगर आपको इतराज ना हो तो रात यहीं गुजार दूं आपके कमरे में। ये सरकारी दफ्तर है, आपका रात भर यहाँ रहना उसूल के खिलाफ है, फिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं घबराइए नहीं, एक छोटा सा वेटिंग रूम है, अगर आप चाहें तो रात वहाँ गुजार सकती हैं। सारी रात वेटिंग रूम में मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? आपकी मर्जी। स्टेशन मास्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलिए। जरा जल्दी चलिए। क्या सुबह तक आप मेरी अटैची अपने पास रख सकते हैं? क्या इस अटैची में? इसमें जी हाँ 5-6 लाख के हैं, मगर चोरी के नहीं, अपने। इतनी रात गए, इतनी बड़ी पूंजी लेके अकेली आप कहाँ से आ रही? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये अटैची रख लीजिए मेरी अमानत समझकर। मगर आप एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? दिल जिस पे भरोसा कर ले वो अजनबी नहीं रहता। लीजिए। शुक्रिया, अब मैं सारी रात प्लेटफॉर्म पे भी गुजार सकती हूँ। इतनी सर्दी में खुले प्लेटफॉर्म पर एक काम हो सकता है। क्या? रेलवे यार्ड के पीछे मेरा क्वार्टर है, इन दिनों मेरी बीवी मायके गई हुई है, मेरी ड्यूटी स्टेशन पर है, अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो एक इंसान के नाते दूसरे इंसान की मदद कर रहा हूँ। चलिए। अगर से जी साहब, वो 35 डाउन का सिग्नल ले लेना। अच्छी बात, मैंने क्वार्टर तक छोड़ के आता हूँ। ये लाइट दो।
आइए। छोटा सा घर है, पता नहीं आपको पसंद आया या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक स्टेशन मास्टर का घर इतना अच्छा हो सकता है। इतनी खूबसूरत पेंटिंग है रश्मि, शायद चित्रकार का नाम है। जी हाँ, चित्रकार का भी और मेरी बीवी का। अच्छा, तो ये उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग है। वंडरफुल, जितना प्यारा नाम उतना ही प्यारा काम। अगर वो यहाँ होती तो मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती, मगर आपने तो उन्हें मैके भिजवा रखा है। मैंने? अगर मेरा बस चलता तो इस पेंटिंग की जगह उसे फ्रेम में जकड़ के रखता, लेकिन वैसी खुशबू है जिसे सिर्फ महसूस तो किया जा सकता है लेकिन जकड़ा नहीं जा सकता। थैंक यू। दीजिए। मैं जी, इसमें तो एक ही सिगरेट रह गया है। तो क्या, सिगरेट ही तो है, किसी का प्यार तो नहीं जो मुश्किल से मिले। प्लीज। थैंक यू, आपने सिगरेट को प्यार से खूब मिलाया। मेरे लिए तो दोनों एक जैसी। ये और बात है कि सिगरेट खुद जलता है और प्यार किसी और को जलाता है। खैर छोड़िए, ये बताइए सिगरेट आप शौक से पीती हैं या आदत? पहले शौक था लेकिन अब आदत पड़ गई है। और आप? ना आदत ना शौक, जब भी अकेलापन महसूस करता हूँ जला लेता हूँ। चलिए मेरे साथ। मेरा नाम सोनिया है। चलिए सोनिया जी, आपको सोनिया का कमरा दिखाते हैं, प्लीज कर। ये रहा आपका कमरा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। स्टेशन मास्टर, आपने मुझे सिगरेट पीते हुए देखकर शायद समझा हो कि मैं बड़ी आजाद ख्याल और मॉडर्न लड़की हूँ, और हो सकता है कि आपने दिली दिल में मुझे आवारा भी समझा हो। नहीं तो, ऐसा तो नहीं समझा। यकीन कीजिए, मैं शुरू से ही बड़ी बदकिस्मत हूँ। बदकिस्मत? जी, डैडी बचपन में ही गुजर गए थे, रही माँ तो वो मुझे नानी के पास छोड़कर एक रईस आदमी के साथ चली गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदमी शादीशुदा था और उसने मेरी माँ को अपनी पत्नी नहीं दाश्ता बनाकर अपने घर में रख लिया था। फिर? 15 साल गुजर गए। पिछले हफ्ते अचानक मुझे माँ का खत मिला, उसने मुझे अपने पास बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो उस रईस आदमी को आखिरी सांसें लेते हुए पाया, लेकिन मेरी माँ को उसकी मौत से ज्यादा आने वाले तूफान का डर था। उन्होंने वो सब हीरे जवाहरात जो उनके कब्जे में थे मेरे हवाले कर दिए और मुझसे कहा कि मैं उन्हें लेकर फौरन बंबई चली जाऊं। जब मैं वहां से निकली तो मेरी माँ के सौतेले बेटे को इस बात का पता चल गया और वो अपने एक दोस्त के साथ मेरा पीछा करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों से बच बचा कर यहां तक पहुंची हूं। अब कौन जाने आगे किस्मत में क्या क्या लिखा है। अब तक तो दुख दर्द के सिवा और जिंदगी में कुछ नहीं पाया। दुख दर्द किसकी जिंदगी में नहीं होते सोनिया जी? कम से कम आपकी जिंदगी में तो कोई दुख नहीं होगा। रश्मि जैसी पत्नी के होते हुए दुख दर्द तो आपके लिए बिल्कुल मेरी तरह अजनबी होंगे। मैं चलता हूँ, 35 डाउन का टाइम होगा। स्टेशन मास्टर, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप रश्मि जी से बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करता हूँ। एक बात और, आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज्ड? लव। आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज्ड? लव।
से तो बहरे भी सुन लेते हैं, फिर अपने तो तो फिर साई क्यों नहीं देते? साई को मारिए गोली, बोलिए तो राइड दे दूं। ओ शट अप। पीछे रहने की आदत नहीं है ना? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? पीछा तो वो करते हैं जो पीछे रहते हैं, मैं तो आपके आगे हूँ। जबान तो खूब चला लेते हो। मोटरसाइकिल भी खूब चला लेता हूँ, देखा नहीं आपने? यू हटाओ अपने फटफटिया को। किसको? उसको हटाओ। ओ अरे ये क्या हुआ? साहब मैं आपकी कुछ मदद करूं? नो थैंक यू। एज यू प्लीज। मेम साहब चाबी घुमाने से कुछ नहीं होगा। विल यू माइंड योर ओन बिजनेस? बाप रे। मेम साहब आपका मीटर बता रहा कि इस पटपटिया में पेट्रोल नहीं है। ओह नो। ओह यस। अब क्या होगा? उनको तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना बड़ा जंगल है, खतरनाक जानवर आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, फिर मैं तो आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? कमाल है, अजीब जमाना आ गया। मैं तो ये सोचा था कि अपनी फटफटिया के साथ इस फटफटिया को बांध के ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम कि भलाई का बदला बुराई होता है। जा रहा हूँ मेम साहब। सुनिए। किसने पुकारा? जी मैंने। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। ओह वेरी गुड। बोलिए। आप मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा देंगे? ऑफ कोर्स। नहीं नहीं एक काम और हो सकता, मैं अपना पेट्रोल इस खूबसूरत गाड़ी में डाल देता हूँ और आप मुझे और मेरी फटफटिया को लिफ्ट दे दीजिएगा। जी सोच लीजिए, दोनों बातें करते करते मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे और साथ भी रहेगा, क्या ख्याल है? मुझे मंजूर है। ओह दैट्स लवली, शी इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक हर। आई हैव ड्राइवर फर्स्ट क्लास हो गया, पेट्रोल भी डाल दी। मेरे साथ जरा स्टार्ट कीजिए। ओहो ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। प्लीज जरा धक्का मार दीजिए ना। ऑफ कोर्स एनी टाइम। चल बेटे। देखो मेरा पेट्रोल ले गई और मुझे अकेला छोड़ गई, दिस इज चीटिंग। और की हो बादशाह, फटफटिया झड़क में क्यों खड़ी करती? ओए गले ओ रख फटफटिया पीछे तो बह जा आके। बस लाल जी जवाब नहीं, तुम्हारा अच्छा गए हो। करना करो बाल साहब, कुड़ी नू अपा मिनटा सेकंटा में पकड़ते हैं। ये कोई तरीका है ओवरटेक करने का? ओ बल्ले बल्ले नहीं कुड़ी है तेरा जवाब नहीं। अरे क्या बकता है? ओ बकता नहीं कहता हूँ, साडे यार ने तेरी मल की थी, तेनु धोखा दे के भाग खड़ी हुई, ए गल चंगी नहीं की थी। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो दखल देने वाले? स्टूपिड ओल्ड सो एंड सो। हां तई गेट में तो मारनी है। ओ सौ रब दी ये तू कुड़ी ना आंदी ते मैं तेरी। ओ छड यार चल जान दे। ओ कुड़िए घर जा आराम नाल घर जा। सलाम मेम साहब। अरे आप आइंदा अगर किसी अजनबी से पेट्रोल डलवाएं तो उसे लिफ्ट जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो बेचारे को पैदल चलना पड़ेगा। सलाम दादाजी। चलो पाशा कुड़ी नू फिट कर देता, गड्डी स्टार्ट करो।
बदमाश। छोकरियों की तरह छुप छुप के क्या देखता है? अब देखना जो देखना है। भांजे, हमें तुम तो लड़कियों के बीच ऐसे जच रहे हो जैसे गोपियों के बीच किशन। हमें तो मजा आ गया। हाँ मामा, तुम्हें तो मजा आ गया लेकिन अपनी कमर का तो कमरा हो गया। अरे भांजे, कमर का कमरा तो होता शादी के बाद, जैसा मेरा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मजा आ गया। चलो लड़कियों, तुम लोग संगीत छिड़ करो, मैं अभी चाय का बंदोबस्त करती हूं। हाँ हाँ, चाय। अरे कहा माशा, लड़कियों के महफिल में आने का जुर्माना तो भर के जाए। जुर्माना? जी हाँ, कोई प्यारा प्यारा मधुर मधुर गाना। गाना मुझे नहीं आता। रोला तो आता है। भैया, ये सब आफत की पुड़िया है, गाने सुने बगैर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। रश्मि, कितनी देर कर दी तुमने? सॉरी शांता, यूँ ही देर हो गई। कोई बात नहीं। रश्मि, ये मेरे भैया है रोहित। हेलो जी। हेलो। अब आप टुकुर टुकुर देखते ही रहेंगे या गाना भी सुनेंगे? देखिए, मुझे गाना वाना नहीं आता है। हाँ, अगर आप लोग जिद करती हैं तो एक कहानी सुना देता हूँ। सच पूछिए तो ये कहानी नहीं है, एक हकीकत है जो एक सुहानी सुबह मेरे साथ हुई। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बिखरी हुई थी दिल में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जिसे खफा वो जान हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से मुलाकात
दूं? हाँ, वो यहीं पर यहीं है? ना, ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई एक अजनबी हसीना से, जो मुलाकात हो गई। सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं लड़की की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं और एक दिन अपने हाथों से अपनी लाडली को एक अजनबी के हाथों जिंदगी भर के लिए दे। लेकिन इसमें दुखी होने की क्या बात है? जब अपने अपनों से बिछड़ते हैं तो दिल तो भर ही आता। क्या आपको अपनी सहेली के बिछड़ने का दुख नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आज से शांता एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। मगर नए बंधन पुराने रिश्तों को तोड़ तो नहीं देते। वो तो ठीक है, मगर नई चीज पाकर इंसान खुश होता है, दुखी तो नहीं होता। खैर छोड़िए, आप यहाँ कब तक हैं? कुछ दिन आ रहूं। और फिर कब आएंगे? पहली बार जब आया था शांता की बड़ी बहन की शादी थी, आपकी बार शांता की शादी में। फिर तो आपके यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी, फिर आप किसकी शादी में आएंगे? आपकी शादी में? मेरी? तब तो आप आ चुके, यहाँ तो शादी की लकीर ही नहीं है। नहीं है? नहीं है। जरा देख देखे। जीजा जी, आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? आ नहीं जा रहा था शांता के घर तुम्हें लाने के लिए। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर रोहित शांता की कजिन, और ये है मिस्टर मोती मेरी जीजा जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? मैंने घर छोड़ने जा रहा था।
मुझे आने में जरा देर होगी वरना आपको ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। आओ रश्मि। बाय बाय एंड थैंक यू। बाय 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 सुरत, फिर मुलाकात होगी। आओ रश्मि। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहित। अरे रश्मि जी आप, वेरी गुड मॉर्निंग। मछली फंसा रहे हैं, कोई फंसी? जी नहीं, यहाँ की मछलियाँ बड़ी चालाक हैं। यहाँ की मछलियाँ अपने और पराए को अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए अजनबी लोगों के जाल में नहीं फंसती। लेकिन रश्मि जी खाली हाथ तो मैं भी नहीं लौटूंगा। मैं कुछ मदद करूँ? नेकी और पूछ पूछ तो आइए मेरी बोट पर। ओके। कांटा निकाल लीजिए रोहित बाबू, लगता है मछली फंस चुकी है। अरे शांता कह रही थी कि आपने स्टेशन मास्टर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू नहीं, ट्रेनिंग के लिए। आप सिर्फ इंतजार है तो अपॉइंटमेंट लेटर का। तो क्या आप आके स्टेशन मास्टर बनेंगे? हर्जी क्या, नौकरी की नौकरी, हुकूमत की हुकूमत, और 300 रुपया स्टार्ट। 300 रुपये में आपका गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल, अकेले जाना है। और शादी के बाद? शादी के बाद बीवी अपनी किस्मत भी तो लेकर आती है। हाँ, वो तो लेकर आती है। हाँ मोती, वो तराई वाली जमीन का क्या हुआ? बाबू जी ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं जमीन उसी दिन बेचूंगा जिस दिन उसके मुंह आगे दाम मिल जाए। सलाम साहब। साहब सलाम। सलाम सलाम मैम साहब। बोलो बादल क्या बात? साहब वो लोग आ गए। लोग आ गए? हाँ। अच्छा बादल तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा साहब, कौन लोग आए हैं? बाबू जी वो कलेक्टर साहब और फॉरेस्ट ऑफिसर अपने जंगलों के मायने के लिए आए। ओके मैं चलता हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो कर लो। नाश्ता करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी बाबू जी, मैं चलता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है एक अच्छा सा असिस्टेंट रख लो। असिस्टेंट रख तो लो बाबू जी, लेकिन कोई भरोसे का आदमी भी तो मिलना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय रश्मि। बाय बाय। बाय बाय। काम के पीछे तो पागल है ये लड़का, कम से कम दिखाती तो ऐसे ही है। अच्छा डैडी, अगर जीजा जी को असिस्ट करने के लिए कोई भरोसे का आदमी मिल जाए तो आप क्या तनख्वाह देंगे? अगर शरीफ और जिम्मेदार आदमी है तो हम 1000 रुपए तक दे सकते हैं। 1000 रुपए? डैडी मेरी नजर में एक आदमी है। कौन है? मैं आपसे मिलाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। वेरी गुड। ओके। याद है मैंने आपसे क्या क्या कहा? याद है। मेरी डैडी आपकी सैलरी कम करने की बड़ी कोशिश करेंगे, मगर आप बिल्कुल राजी मत होइएगा। बिल्कुल नहीं। पढ़ मत कीजिए। ओ, सॉरी। आइए। रश्मि ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है। How sweet of her. कल से तुम काम पर आ सकते हो। शुक्रिया दीवान साहब। हम तुम्हें 500 रुपया महीना देंगे। जी लेकिन रश्मि जी ने तो 1000 रुपए महीने की बात की थी। 1000 रुपए? रश्मि का दिमाग खराब हो गया है, आजकल कोई इतनी तनख्वाह देता है? वाह डैडी, इतनी जल्दी आपने अपनी बात बदल दी। आपने तो कहा था अगर कोई शरीफ और जिम्मेदार आदमी मिल जाए तो आप 1000 रुपए देंगे। कहा तो था लेकिन। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने रोहित बाबू से वादा किया है और आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी। अच्छा बाबा अच्छा, हम तुम्हें 1000 रुपया देंगे। आर यू हैप्पी नाउ? वेरी हैप्पी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग मोती। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहित। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था? इंटरव्यू? तुम इन्हें जानते हो? जी हाँ थोड़ा बहुत, रश्मि की मेहरबानी से। रश्मि के कहने पर मैंने मिस्टर रोहित को तुम्हारा असिस्टेंट रख लिया है। ओह ओह आई सी, दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रोहित। थैंक यू।
मैं जानता हूँ रश्मि, मेरी मदद के लिए तुम कभी किसी गलत आदमी को नहीं चुन सकती। शुक्रिया, मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। मेरे लिए 2 कप। राइट डैडी। हाँ तो मिस्टर रोहित, मैं चाहता हूँ काम शुरू करने से पहले आप जरा सोच ले, काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो या आसान, जब नौकरी करनी है तो करनी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के मजदूरों को आप नहीं जानते, वो जानवरों से भी बदतर है। लेकिन है तो इंसान, मैं उन्हें संभाल लूंगा। लेकिन एक बात और है मिस्टर रोहित, आपको 24 घंटे जंगल की खतरनाक जिंदगी गुजारनी होगी। खतरों से खेलना ही तो जिंदगी है मोती बाबू, और फिर मैं इन जंगलों से वाकिफ हूँ, मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। कल से काम पर आ जाइए। आइए। बिजली, ओ बिजली, मेम साहब आप? सलाम। सलाम बिजली, ये है तुम्हारे नए साहब रोहित बाबू, और आज से ये यहीं रहेंगे, इन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिजली क्या होते हुए आप कोई चिंता ना करें मेम साहब, बिजली जी जान से साहब की सेवा करेगी। ठीक है, तुम जाओ और उनके रहने का इंतजाम कर लो। अच्छा मेम साहब। कहिए रोहित साहब, आपको हमारी स्टेट कैसी लगी? स्टेट तो कई बार देखी है, लेकिन आज इतनी खूबसूरत लगी पहले कभी नहीं। वैसे आपकी स्टेट देखी, आप तो मुझे को देखते रहे। वो मैं, वो दरअसल स्टेट तो फिर कभी देख लेंगे, लेकिन आपको इतनी नजदीक से देखने का मौका फिर कभी मिलता। मजाक छोड़िए, मैं वाकई आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने ये काम करना मंजूर कर लिया। क्या कह रही हैं आप, ये तो आपका एहसान है मुझ पर। नहीं रोहित बाबू, सच पूछिए तो आपको ये काम दिलाकर मैंने अपने आप पे एहसान किया है। क्या मतलब? शायद आप नहीं जानते कि खतरा है जो स्टेट के पीछे भी मंडरा रहा है और मेरे पीछे भी। खतरा? जी, मोती बाबू। मोती बाबू यानी कि आपके जीजा जी? हाँ, जब से दीदी की डेथ हुई है तब से डैडी ने स्टेट का सारा काम मोती बाबू को छोड़ दिया है, और मोती बाबू अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो क्या आपको अपने जीजा जी पर भरोसा नहीं था? कभी, अब नहीं। अगर ये बात है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बादल, ये सब क्या है? मजदूरों को पगार देने के लिए हर महीने 50,000 रुपए निकाले गए, लेकिन उनको सिर्फ 25,000 रुपए दिए गए, बाकी का रुपया कहाँ है? सरकार, अभी आप नए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल। वो रुपया किसकी जेब में गया? तुम्हारी जेब में? नहीं सरकार। सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। सरकार, मैं तो नौकर हूँ, इसमें मेरा क्या हो रहा है? मिस्टर रोहित, ये अकाउंट की सारी किताबें बाहर क्यों रखी? क्या बात? अकाउंट्स चेक कर रहा था, लाखों का हेर फेर। हेर फेर? What do you mean? मजदूरों की तनख्वाह ज्यादा लिखी गई है और रकम कम दी गई। ओह, तुम कौन होते हो ये सब जानने वाले? मैं स्टेट का नौकर हूँ, और स्टेट को जिस किसी चीज से नुकसान पहुंचे उसे रोकना मेरा फर्ज है। तुम सिर्फ मेरे नौकर हो, और तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। इसका मतलब आप सबको जानते हैं, जो कुछ भी हो रहा आपकी मर्जी से हो रहा है। शट अप, अपने हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मोती बाबू, सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों से मजदूरों की मांगे पूरी क्यों नहीं की गई, उन्हें भूखा क्यों रखा गया, उन पर जुल्म क्यों किया गया। ये तुम नहीं, रश्मि की मेहरबानी बोल रही है, मगर याद रखो मेरे फैसले के सामने रश्मि की मर्जी भी नहीं चल सकती। चलो बादल। जीजा जी के बारे में मैंने जो कुछ कहा था गलत तो नहीं था? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपके जीजा जी काफी खतरनाक मालूम होते हैं। आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। इसी भरोसे के सहारे मैंने उनसे टकराने की हिम्मत की है। सरकार, औरत का दिल एक बार किसी पर आ जाए तो उसे जीते जी कभी नहीं भूलती।
जो बात मेरे होते हुए रश्मि की जिंदगी में दूसरा मर्दा कोई नहीं आ सकता। सरकार आप बोले तो शाले कबूतर की गर्दन मरोड़ दूं। नहीं बादल नहीं, ये कांटा इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। रश्मि इस पर जरा जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान है, इसके लिए हमें कोई खास तरकीब सोचनी पड़ेगी। कल तुम लोगों का त्योहार है ना? हाँ साहब। चलो खूब धूमधाम से जश्न होना चाहिए, समझे? समझ गया साहब। मुझे ये ना, इधर भी देना, मुझे नहीं दोगी बिजली? एक अनाथ सौ बीमार, लो तुम ही लो। अरे ओ बिजली, उधर ही कुंती रह गई है, इधर भी चमकेगी। आती हूँ। अरे जल्दी आना। बोलो। बस यूं ही देखती रहो। कितने ग्लास हो गए? पीर तक तो याद है, उसके बाद तो सो गए। सोते ही रहो चाचा। बंगलाती कहाँ चली अनारकली? मैं चली पिया की गली। वारी मेरी मिश्री की डली। ये लीजिए सरकार, मैंने अपने हाथ से बनाई। अच्छा, थैंक यू सरकार। भंग घोटने में तो इसका जवाब ही नहीं है। वो घोटती है, एक घूंट ले लीजिए, रात में तारे नजर आ जाएंगे। रात में तारे? आप भी लीजिए ना सरकार। नहीं बिजली, मैं नहीं पीता। सरकार आज तो त्योहार है, आज तो सभी लोग पीते हैं। ले लो रवे, एक गिलास से कुछ नहीं होता। कौन है? नहीं मोती बाबू, मैंने कभी नहीं पी। रंग में भंग मत डालो रोहित, एक गिलास लो, कुछ नहीं होगा। कहाँ लीजिएगा सरकार? लेकिन अरे ले भी लो, कुछ नहीं होगा हम कहते। शाबाश। ये क्या कर रहे हो? अब सब लोग कह रहे हैं तो मैं क्या। रश्मि आज का दिन से मत रुक, देखो हम भी तो पी रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पियूंगी। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। चीयर्स 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 एवरीबॉडी चीयर्स। ये हुई ना बात, शाबाश शाबाश। बिजली एक गिलास और डाल दो। अरे रश्मि रश्मि क्या कर रही हो? पीने दो ना, अच्छा लग रहा है। अरे सारा नशा टूट गया, ला एक गिलास और ला। देती हूँ बाबा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? भंग सामने हो और भंग ही उतावला नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी चमक चल लो। क्यों काका, आज ये बासी कड़ी में उबाल कैसे आ गया? आज सामने हो तो उबाल कैसे नहीं आएगा? तुम मेरी रानी महारानी। Good time.
तुझको हो गया मैं दीवाना, साथ मुझे ले चल मुझको भी प्रेम नगर है जाना। प्रेम डगर पे देख के तुझको हो गया मैं दीवाना, साथ मुझे ले चल मुझको भी प्रेम नगर है जाना। बादल ये तेरी बिजली है। बिजली? आधी रात को बिजली यहाँ कैसे आ गई? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बहुत हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सारे गांव में डाका डालने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा घर मिला। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बादल ने नौकरी की है, इज्जत नहीं बेची। बताओ तुम मेरी मंगे तो यहाँ क्यों ले आए? बादल मेरा
मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो। बादल जबान पे लगाम दो। कमीने, एक तो मेरी मंगेतर को उड़ा के लाया, ऊपर से मुझे आंखें दिखाता है। आज ए कृष्ण, ए लक्ष्मण, अरे तुम दादा, तुम दादा, बादल क्या हुआ? देखो क्या हुआ बादल चाचा, इस कमीने ने मेरी मंगेतर की इज्जत पे हाथ डाला है, मैं इसको कभी नहीं। ठहरो। हां हां बेटी, क्या हुआ, इसने तुम्हारे साथ क्या किया? अरे चौधरी चाचा, ये क्या बताएगी, देखने रहे किस हालत में पड़ी है, बेहोश पड़ी हुई है। इस कमीने ने शराब पिला पिला कर इसकी ये हालत कर दी है, मैं इसका सर तोड़ दूंगा, इसकी जान ले लूंगा, इसके हाथ का फैला मादर। अगर ये गुनाहगार है तो इसे सजा देने का तुम्हें कोई हक नहीं, इसका फैसला कल सवेरे पंचायत करेगी। चौधरी साहब, अब चलो, बहुत हुई, चलो मादर। बेटी तुम भी चलो, चलो चलो चलो, सब चलो, कल ही फैसला हो जाएगा। चलो, नहीं ये झूठ है, कल रात जब मैं घर पहुंचा, बिजली नशे में धूत मेरे कमरे में सो रही थी। ओ। और बिजली को सामने देखकर तुम अपने होश और हवास खो गए? नहीं, मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत पी रखी थी। पी रखी थी या तुमने पिलाई थी? जो खुद नहीं पीता वो दूसरों को क्या पिलाएगा। चलो मान लिया, मगर बिजली को होश में लाने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम था कि बिजली घर में है। और जब तुम्हें ये मालूम हुआ तब? मैंने बादल को बुलाने के लिए जैसे दरवाजा खोला, इसे सामने खड़ा हुआ पाया। ये झूठ है सरकार। बिजली चुप कहाँ है, बता दे सारे पंचायत को कल रात तेरे साथ क्या हुआ था, बोल दे, बोलना। कल रात बाबूजी मुझे घर ले गए और कहने लगे, बिजली हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, ये लो 10 रुपया बख्शीश। मैं रुपये लेके घर जाने लगी। तो क्या हुआ? तो कहने लगे, बिजली तुम हमें रोज चाय पिलाती हो, आज हम तुम्हें अंग्रेजी शरबत पिलाएंगे। फिर क्या हुआ? इन्होंने मुझे शरबत का एक गिलास दिया, पीते ही मेरा सर चकराने लगा। अच्छा, मेरे मना करने पर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती 2-3 गिलास और पिला दिया। ये झूठ है, मैं ऐसी कमीनी हरकत। तुम चुप रहो। हाँ तो फिर क्या हुआ बिजली? इन्होंने मुझे बाहों में जकड़ लिया, फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। जब देर तक बिजली घर नहीं लौटी तो मैं सांप के बंगले पर गया, दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर के बाद सांप ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही घबरा गए, इनके चेहरे का रंग उड़ गया और 500 रुपया मुझे दे के कहने लगे, बादल तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ बादल। लेकिन भाइयों मुझे इस पर शक हुआ, जबरदस्ती मैं पीतर घुस गया। और उसके बाद सरकार जो मैंने देखा है। क्या देखा, क्या देखा बादल? हाँ बता। सरकार मेरी बिजली बेहोश आपके शोबे पर पड़ी हुई थी। मैंने तो सोचा साहब को चैन से मार दूं, लेकिन नहीं, पंचायत हमारी माँ बाप है, आप हमारे माँ बाप है, इसीलिए मैंने सारे गांव को बुला लिया। चौधरी साहब, अब्दुल चाचा, बताइए कल रात क्या हुआ था, मेरी बिजली के साथ तो जुल्म हुआ था, बताइए ना। हाँ हाँ, हम लोगों ने बिजली को इनके शोबे पर बेहोश पड़े हुए देखा। चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच है। रश्मि, मेरी बात तो सुनो। अपनी नापाक जबान से रश्मि के नाम मत ले कमीने। भाइयों, आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया है, अब आप बताइए आपकी क्या राय है। इसने हमारे बस्ती के मुंह पर कालक लगाई है, ये पापी है। रुक जाओ, सजा ऐसा जरूर मिलेगी। इसने हमारे गांव के एक बेटी पर बुरी नजर डाली है, उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहा। हम ऐसी सजा देंगे जो तो जिंदगी भर याद रखेगा। हम तेरी चमड़ी उतार देंगे। बस मोती बस, इस नमक हराम को अपने जन्म की सजा मिल चुकी, इसको छोड़ दो।
कान खोल कर सुन ले, अगर कल सुबह सूरज निकलने के बाद उस गांव में नजर आए तो कल का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब आप लोग भी जाओ, जाइए आप लोग। चलिए बात करो। सुनो, तुम्हें मालूम है बिजली कहाँ रहती है? जी, वो सामने वाले मकान में। ये ले बिजली। अरे क्या बात है बिजली, जवाब नहीं तुम्हारा, ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की कि मजा आ गया। सरकार इसकी इसी अदा कर तो मैं मरता हूँ। वो रोज का बच्चा गांव छोड़कर भागा कि नहीं? कल सुबह की गाड़ी से चले जाएगा सरकार। साला मेरा मुकाबला करने आया था उल्लू का पट्टा। रश्मि तुम देखने आई थी रोहित ने बिजली की कितनी इज्जत लूटी है। रश्मि मेरी बात तो सुनो प्लीज। रोहित क्या लेने आए? मुझे माफ कर दो रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है रश्मि। कुछ ना होते हुए भी मैंने अपने आप को बहुत कुछ समझा। नहीं रोहित नहीं, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानते मैं पश्चाताप की आग में कितना जल रही हूं। क्यों मैंने डैडी की बातों का विश्वास किया? क्यों मैंने मोती बाबू की बातों को सच मान लिया? क्यों मैं ये भूल गई कि वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी गंदी चाल भी चल सकते हैं? तुम्हारे डैडी और मोती बाबू ने मेरे साथ क्या किया मुझे इस बात का दुख नहीं। दुख है तो सिर्फ इस बात का, तुमने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसी का प्रायश्चित करने मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने अपने डैडी, उनकी स्टेट और उस गाँव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ रोहित, मैंने फैसला कर लिया, जहाँ ऐसे आदमी रहते हैं वहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन लेकिन ये फैसला जल्दबाजी का है, ये फैसला सही नहीं है। रश्मि मैं एक मामूली आदमी हूँ, तुम मेरे लिए, तुम्हारा प्यार ही बहुत कुछ है रोहित। मैं उसी के सहारे सारा जीवन गुजार लूंगी। पुलिस भी साथ में है। रश्मि अभी सोच लो। सोच लिया तो चलो। लगता है वो लोग यहाँ पर नहीं आए। तो फिर कहाँ जा सकते हैं वो लोग? आप घबराइए नहीं, मैंने वायरलेस के जरिए तमाम पुलिस चौकी और चेक पॉइंट को इतला कर दी है। जहाँ कहीं भी होंगे हमारी पुलिस ने ढूंढ निकालेगी। चलिए Thank you.
हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम तो इसी दुनिया के हैं, मगर आपसे पूछ सकते हैं आप किस दुनिया में खोए हुए थे? मतलब ये कि आपको कितनी देर से देख रहे हैं, आप बुद्ध बने बैठे थे। हम तो घबरा गए थे कि आप जिंदा हैं या
लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग हैं कौन और यहाँ किस लिए आए हैं? हमें एक लड़की की तलाश है जो घर से भाग निकली है। तो फिर आप गलत जगह आए हैं, ये रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन नहीं। हम वहीं से आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप हमें इन कपड़ों में कैसे पहचान सकते हैं? आप इंस्पेक्टर तिवारी और मुझे इंस्पेक्टर सिन्हा कहते हैं। आपसे मैं भी खुशी हुई। बहुत खुशी मुझे भी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है कि उस लड़की ने इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन पकड़ी है। वैसे तो कई मुसाफिरों ने पकड़ी होगी, अब मैं सबको तो नहीं जान सकता, लेकिन स्टेशन मास्टर साहब, वो लड़की ऐसी है जिसे एक दफा देखने के बाद आदमी बहुत मुश्किल से भूल सकता है। वो नौजवान है, फैशनेबल है और बहुत खूबसूरत है, और उसके पास सिर्फ एक हैंडबैग और एक काला ब्रीफकेस है। क्या हुआ? कुछ याद आया? नहीं, ऐसी लड़की तो यहाँ कोई नहीं आई। नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इतने परेशान है उस लड़की के लिए? क्योंकि वो चोरी करके भागी है। चोरी? जी हाँ, उस काले ब्रीफकेस में 5 लाख के हीरे जवाहरात हैं। 5 लाख चोरी? दीनापुर स्पीकिंग। स्टेशन मास्टर साहब है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, मैं हूँ सोनिया। वन मिनट होल्ड ऑन, आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। आओ तिवारी। पुलिस के हाथों बच के जाएगी कहाँ? बाय बाय। हेलो, आप अभी तक जाग रही? नींद नहीं आती। एक फेवर करेंगे आप? ये बोलिए। एक पैकेट सिगरेट भिजवा दीजिए। सिगरेट? जी हाँ, कोशिश करता हूँ। जी कैसे आ गए? दरवाजा तो बंद था। जी हाँ, लेकिन इसकी एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। ओह, मैं तो घबराई गई थी। जी नहीं, आप डर गई थी, जैसे कि एक चोर पुलिस को देख के डर जाता। जी डरिए मत सोनिया जी, आपने सिगरेट मंगवाए थे ना, ये लीजिए। थैंक यू स्टेशन मास्टर। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपको मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, आदत जो पड़ गई है। और चोरी करने की आदत? चोरी? जी हाँ, चोरी करने की आदत कब से पड़ी आपको? ये आप क्या कह रहे स्टेशन मास्टर, मैंने चोरी की है? क्या चोरी किया है? ये तो वही दो सीआईडी वाले बता सकते हैं जो आपको तलाश करते हुए स्टेशन पर आए थे। ओह, तो वो लोग यहाँ तक आ पहुँचे? आपने क्या कहा उनसे? उन्हें तो बात बनाकर मैंने टाल दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि असलियत क्या है। स्टेशन मास्टर, आपने एक अजनबी लड़की को अपने घर में पनाह दी है, उस पर एहसान किया है, क्या आप समझते हैं कि वो आपको धोखा देगी? तो फिर वो लोग कौन थे? वो लोग सीआरटी इंस्पेक्टर नहीं, वही दो गुंडे हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, एक मेरी माँ का सौतेला बेटा सिन्हा और दूसरा उसका दोस्त तिवारी। अरे हाँ, नाम तो यही बताए थे उन्होंने, लेकिन वो जो आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाया गया, वो के लिए बोगस कार्ड बनाना कोई मुश्किल है क्या? अगर फिर भी आपको मेरा एतबार नहीं है तो लीजिए, ये खत पढ़ लीजिए। ये वही खत है जो मेरी माँ ने मुझे पिछले हफ्ते भेजा था। स्टेशन मास्टर, इस खत को पढ़ने के बाद भी अगर आप मुझे चोर समझते हैं तो बड़े शौक से मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। माफ कीजिएगा सोनिया जी, मैंने खामखा आप पर शक किया। अभी आप आराम से सो जाइए, सुबह मुंबई की गाड़ी 6:05 की है, मैं आपको 5 बजे उठा दूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है, आप जाएंगे कैसे? फिक्र मत कीजिए, चला जाऊंगा। कोई छाता हुआ तो ले लीजिए। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता।
ये बारिश तो फिर से तेज हो गई। बंबई की बारिश है जाने मन। चलो अंदर चले। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। भीग गए तो बीमार हो जाओगे, समझे? होने दो, ए तुम्हारी गोद में सर रख के पड़ा रहूंगा। हटो, नहीं हटो। उफो, तुम भीगो, मैं जाती हूँ। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। बचा लूं तुझे सीने से, लगा लूं आंसू पालू, आंसू पालू। बरखा से बचा लूं तुझे सीने से, लगा लूं आंसू पालू, आंसू पालू। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो? कैसा लगता है, कुछ हो जाएगा मस्त पवन के ये झुके सैया, देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। रश्मि, क्या हुआ डार्लिंग? आज फिर तुमने चाय में शुगर की जगह नमक डाल दिया। ओह नो। ओह यस, आई एम सो सॉरी डार्लिंग। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। लगता है मेरी किस्मत में चाय की जगह तुम्हारे हाथ का बना हुआ सूप पीना दिखा। तुम्हारा मतलब है मैं चाय भी नहीं बना सकती? ठीक है, कल से रख लूं किसी नौकर को। बस यही तो मुश्किल है बड़े घर की लड़कियों के साथ, बात बात में नौकर का ताना देती है। मैंने कौन सी चाची नौकर रखी है? डैडी के यहाँ मैंने तो किचन में झांकी भी नहीं देखा। यहाँ सुबह उठती किचन की सूरत देखनी पड़ती है, और साहब बहादुर अप्रिशिएट करने की जगह क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आ गया ना गुस्सा? अरे नमक का तो बहाना था,
हम तो ये देखना चाहते थे कि गुस्से में कितनी नमकीन लगती है हमारी जान। चलो हटो, तुम्हें इसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं। 9 बज चुके हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? बज गए? ओहो, ये घड़ी भी कितना बोर करती है, कितनी जल्दी 9 बजा देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस का टाइम 12 बजे से होता। क्यों, उससे अच्छा तो यही होता कि शादीशुदा लोगों को ऑफिस जाना ही ना पड़ता, उनके बॉस उनकी तनख्वाह घर ही भेज देते। यू आर राइट। चलो अब जाओ जल्दी। हाँ जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले जरा एक सिटी से। नहीं प्लीज। नहीं नहीं, देर हो जाएगी, तुम्हारे बॉस नाराज हो जाएंगे। अरे मारो गोली बॉस को। तुम हमारे बॉस को नहीं जानते हो, वो भी बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी है, जानते हो इस वक्त वो भी जरा ऑफिस में बैठ के कितना चार्मिंग, कितना वार्मिंग, बैठे तो डॉल, चले तो पहुंचाओ और मुस्कुराए तो वॉटरफॉल। थैंक यू। जियोम्स कंडेंस्ड मिल्क पब्लिसिटी के वास्ते हमको ऐसे मॉडल मांगता है। माय माय, व्हाट अ फिगर, 36, 24, 36, एब्सोल्युटली लाइक लो पेट्रा। सर व्हाट? आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? मिस्टर रोहित, हम तुमको कितनी बार बोला, हमारा कमरे में आएगा तो नॉक करके आएगा, लेकिन तुम सीधा अंदर आ जाता है। बट सर। नो सर, तुमको मालूम है कि मिस बटरफ्लाई का इंटरव्यू ले रहा था, तुम हमको डिस्टर्ब क्यों किया? सर आपने तो कहा था कि मिस बटरफ्लाई का चेक बनाकर फौरन अंदर ले आओ। ओह माय चेक। वन सेकंड मिस बटरफ्लाई, बॉस ने साइन नहीं किया। ओके ओके, इंटरव्यू लेने के बाद हम साइन कर देगा। स्वीटहार्ट। आई एम सॉरी सर, ये 500 का अमाउंट कौन से अकाउंट में डालूं, चैरिटी या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट। आई से आउट। थैंक यू स्वीटहार्ट, डोंट यू बॉदर अबाउट दिस। दो चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और 2 चम्मच मिर्च। चलो मसाले भी डाल दिए और घी भी। अब देखती हूँ मेरा हाथ का खाना खाकर क्या कहते हैं साहब बहादुर। अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कौन? गुड इवनिंग। टोकरी, ये टोकरी रख लीजिए। टोकरी? जी हाँ, फलों की। मगर आप है कौन? मेरा नाम चेतन कुमार है, आपके नीचे के फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे? अपने मुंह से। मगर आपका मुंह है कहाँ? टोकरी के पीछे जी। तो टोकरी हटाइए ना। ओह आई एम सॉरी। आप ही मिसेस रश्मि है ना? जी हाँ। आपके लिए क्या काफी भारी अमारक दूं? जी रख लीजिए। थैंक यू। सुबह सुबह आपके कोई रिश्तेदार आ गए थे, काफी देर आपका इंतजार करते रहे और बाद में ये टोकरी और ये लेटर छोड़ के चले गए। जी हाँ। ये बदबू कहाँ से आ रही? किचन में कुछ पक रहा है क्या? अरे हाँ, मेरा बैगन का भरता कहीं जल तो नहीं गया? बैगन का भरता? ओह माँ, ओह मैं उन्हें इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कर रही थी और सब जल के खाक हो गया, अब क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, आप वो दूसरा पतीला लाइए, मैं आपके लिए बनाता हूँ। अच्छा क्रॉस, ये सब्जियां किसने काटी? मैंने। वेरी गुड, असल चीज जमीन पर और छिलके प्लेट में। दरअसल ये इंडियन कुकिंग जी, किसी की मदद से मैं खाना पकाने की कोशिश कर रही थी। गुड, कम से कम आप कोशिश तो कर रही थी, वरना आजकल की लड़कियां कुकिंग पर कम और लुकिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं। बाय द वे, ये प्रिपरेशन कितने आदमियों के लिए है? 2 आदमियों के लिए, एक मैं और एक मेरे पति। अच्छा, लगता है 10 आदमियों के लिए खाना बन रहा है। अच्छा। जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको खाना बनाना सिखा सकता हूँ। वेरी गुड कुक, वेरी गुड इंडियन कुक। अच्छा तो आप पकाइए, मैं देखती हूँ। लीजिए, ये क्या? रश्मि जी, वो आ गए। रश्मि, तुम आ गए, इनसे मिलो, ये है मिस्टर चेतन, हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से आपका नाम सुन रखा था, आज मुलाकात हुई। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। दरअसल मैं एक टोकरी देने आया। टोकरी? जी हाँ, आपकी मैम साहब खाना बना रही थी। अच्छा, खाना बना रही थी। ओह वंडरफुल। लेकिन सब जल गया। जल गया? हाँ जल गया, चलेगा, जल गया। इसीलिए मैं इनकी मदद कर रहा था। मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। अच्छा। किसी वक्त भी आपको आजमाना हो तो मुझे नीचे से बुला लीजिएगा। जरूर। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू। ऑल इट्स ऑल राइट। बाय बाय। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ। ये टोकरी कहाँ से आई? मोती बाबू ने भेजी। मोती बाबू? हाँ, और साथ में ये खत भी। तो मोती बाबू बम्बई आ गए।
तुमसे मिलना चाहते। मैं खत पढ़ चुकी हूँ। जा रही हो मिलने? क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। हो सकता है बाबूजी ने कोई पैगाम भेजा हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो बाबूजी खुद आ सकते थे, यहाँ मैं खत लिख सकते थे। लेकिन हर्ष क्या पता चले बात क्या है? तुम चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूँगा जाकर? अकेली तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम कहती हो तो जरूर चलेंगे। क्या हुआ? वही पुरानी बातें। मतलब? उन्होंने सोचा था कि शायद प्यार के खेल में हमारा दिल भर गया होगा, लेकिन वो भूल गए। प्यार ना खेल होता है और ना ही खिलौना, जिससे दिल इतनी आसानी से भर जाए। रिलैक्स, चलो चाय पियो। हाय रश्मि। अरे रूही तुम और यहाँ? हाँ मैं यहाँ फिल्मों में हीरोइन बनने आई हूँ। फिल्मों में हीरोइन? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही घूमने फिरने। रोहित ये है रूही, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। हेलो। हेलो। और ये है रोहित, माय हस्बैंड। हस्बैंड? तुमने शादी कर ली? हाँ। ओहो मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। बहुत स्मार्ट है। यू नो जब मैं स्विमिंग कर रही थी ना, इतने सारे क्राउड में इन्हीं की पर्सनालिटी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। माइंड योर ओन बिजनेस, ही इज अ क्लोज चैप्टर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बाय द वे आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? हम लोग ताजमहल होटल में। ओह वंडरफुल, मैं आप लोगों से कल जरूर मिलने आऊंगी। कल? लेकिन कल तो हम बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर? हाँ, मॉर्निंग फ्लाइट से। ओह हाउ सैड। कोई बात नहीं, फिर जब हम मुंबई आएंगे तो तुम्हारी यहाँ ही ठहरे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ठीक है ना, तब तक तू ये बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी होगी। थैंक यू। हेलो रूही। हाय, एक्सक्यूज मी। श्योर। बाय बाय। बड़ी चालू लड़की है मगर है अच्छी। मारूंगी। अच्छा अच्छा, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, चाय चाय। हेलो चेतन स्पीकिंग। ओहो रोहित बाबू, अभी बुलवाता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। बनवारी जी साहब, मेम साहब का फोन है, रोहित बाबू बुला रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। आई आई, आपको फोन। हेलो, क्या आज भी कैंसिल? काम काम काम, तुम्हें मुझसे ज्यादा काम से प्यार है ना? ठीक है तुम काम करो। क्या हुआ रश्मि जी? देखिए ना, चार दिन से पिक्चर का प्रोग्राम बना रहे हैं और हर रोज लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं ऑफिस में जरूरी काम निकल आया है। ये बम्बई है रश्मि जी, यहाँ काम करते करते मशीन फेल हो सकती है, आदमी नहीं, उसे हर हालत में चालू रहना पड़ता है। चेतन बाबू, आप तो घर बैठे भी काम करके अपना वक्त काट सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, दिन भर अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। तन्हाई वाकई बहुत बुरी चीज है, कभी कभी तो मैं भी अकेलेपन से उकता जाता हूँ, लेकिन गॉड ब्लेस माई गर्ल्स, ये मुझे बोर नहीं होने देती। गर्ल्स? आई मीन ये रंग बिरंगी तितलियां जो मेरे लिए मॉडलिंग करती है। मैं तो कुछ और ही समझी थी। बाकी चेतन बाबू, आपने तो अपने कमरे को अच्छी खासी आर्ट गैलरी बना रखा है। अजी ये तस्वीरें ही तो हमारी पूंजी है रश्मि जी, बाप दादा हमारे लिए नोटों की जगह प्रोनोट छोड़ रहे हैं, इसमें से कभी अगर हमारी शादी हुई तो हम अपनी औलाद के लिए यही तस्वीरें छोड़ जाएंगे। आप आदमी काफी दिलचस्प है। थैंक यू मैडम। बात करिए चेतन बाबू, ये मॉडलिंग करने वाली लड़कियां महीने में कितना कमा लेती हैं? इट डिपेंड, वैसे 1000-1200 तो मिल ही जाते हैं, और अगर मॉडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो 2-3 हजार रुपए कहीं नहीं गए। अरे हाँ, आप कह रही थी ना कि आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं शुरू कर देती? और मॉडलिंग? मैं समझता हूँ कि अगर आप मॉडलिंग शुरू कर दे तो यहाँ के अच्छे अच्छे मॉडल्स की छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू फॉर द सजेशन मिस्टर चेतन, लेकिन इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। एज यू प्लीज, आपकी मर्जी। ब्यूटीफुल। चेतन साहब, ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी हाँ बिल्कुल। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहिए कहिए। अगर इस पेंटिंग में येलो के साथ ग्रीन की जगह रेड की कॉम्बिनेशन रखती तो शायद इसका रूप और निखर आता। वंडरफुल, आपको भी पेंटिंग का शौक है? यही कॉलेज के दिनों में उल्टी सीधी लकीरें खींच लेती थी। तो आप फिर से क्यों नहीं शुरू कर देते? पेंटिंग से अच्छा वक्त काटने का रंगीन बहाना और क्या हो सकता है? शायद आप ठीक ही कहते हैं। सुई जी। हाय। हेलो। आपने पेंटिंग शुरू भी कर दी? जी हाँ, आप ही ने कहा था ना। कैसा लगा?
लाजवाब, जोशीली मौजों और पथरीली चट्टानों का टकराव इससे ज्यादा खूबसूरत तो कैनवस पर दिखाया नहीं जा सकता। थैंक यू। ये खूबसूरत ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? ये ख्याल नहीं, हकीकत है चेतन बाबू। ये तस्वीर मेरी जिंदगी की तरह है। वो कैसे? इन चट्टानों की तरह मेरे रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आई, मगर उनसे टकराने के बाद भी मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। बहुत अच्छे, आप समझा ये तस्वीर इतनी रियलिस्टिक क्यों बन गई? अभी तो ये अधूरी है चेतन बाबू। तो पूरी कब तक हो जाएगी? कोशिश करूंगी कि रोहित के बर्थडे तक पूरी कर लूं। मतलब ये कि रोहित बाबू के लिए बर्थडे प्रेजेंट तैयार हो रहा है। डार्लिंग, हेलो रोहित बाबू, जरा देखिए क्या बना है। अरे ये तस्वीर तुमने बनाई है? कैसी है? इस तस्वीर से ऐसे लगता है शांत लहरों में आने वाले तूफान का संदेश बहुत खूबसूरत है। है ना रोहित बाबू, आपकी पत्नी खूबसूरत, इनकी कला खूबसूरत, इनके विचार खूबसूरत, फैंटास्टिक, आप बहुत ही खुशनसीब आदमी हैं। अच्छा अश्मी जी, मैं जाता हूं, जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय। बाय। समझ में नहीं आता इन महाशय को दिलचस्प कहूं या पागल। अरे ये तो बड़ा काम का आदमी है, जानते हो उसने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है। अच्छा, जरा हम भी सुने। कह रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो एक टॉप मॉडल बन सकती हूँ। मॉडल? हाँ रोहित, मैं तो सीरियसली सोच रही हूँ कि मैं मॉडलिंग शुरू कर दूँ। ये तो वह अचानक मॉडल बनने क्या सूझ गई? क्यों, इसमें हर चीज क्या है? सारा दिन घर में बेकार बैठी रहती हूँ, इस बहाने वक्त भी कट जाएगा और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। मगर एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्या है? जरूरत क्यों नहीं, तुम्हारी तनख्वाह के 400 रुपए से होता ही क्या है? वो तो अगर रहने के लिए तुम्हारे दोस्त का ये फ्लैट नहीं मिल जाता तो अब तक हम दोनों सड़क पे होते। जब से शादी हुई है बात बात पर मन को मारना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़ता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ जिंदगी से। रश्मि, मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हीं को हल करने के लिए तो मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ रोहित। लेकिन ये मेरी मजबूरियों का हल नहीं कि तुम्हें नमाइश में रखूं। Excuse me. क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? तबीयत को क्या होना है? खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं। क्या है? बोलोगे नहीं मुझसे? बोलने के लिए कुछ है भी तो नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगी? इतना हक है क्या मुझे? हक तो तुम्हें है रश्मि, मैं हूँ जो तुम्हें कुछ ना दे सका। जो दे सकते थे उसमें तो कोई कमी नहीं की। रश्मि, मैंने इसलिए तुम्हें मॉडलिंग से रोकना चाहा क्योंकि जिस माहौल, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वहीं सब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो इस घर के अंदर भी एक लकीर खींच दो, मैं जिंदगी भर उसके बाहर कदम। रश्मि ऐसा मत कहो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, कुछ और मत गिरा, यहाँ बैठो। देखो भूल मेरी थी, हमें तो वाकई एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और वैसे देखा जाए आजकल तो अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां भी मॉडलिंग करती हैं, तुम मॉडलिंग कर सकती हो। ये तुम दिल से कह रहे हो? हाँ मैं तो दिल से कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ए मुस्कुरा दो, अब तुम मुस्कुरा दो। बॉम्बे पाकिस्तान। हेलो। हेलो, आपने पहचाना नहीं मुझे? मिस रूही। करेक्ट, रश्मि क्लासमेट। 100% करेक्ट। आप ये क्या करें, चलिए ना अंदर आइए ना, प्लीज कम। चलिए बैठिए। थैंक यू।
मगर रोहित बाबू आप यहाँ कैसे? आया तो बम्बई घूमने था पर नौकरी करनी पड़ी। नौकरी? मगर रश्मि ने आपको नौकरी की इजाजत कैसे दे दी? वो तो बहुत अमीर बाप की बेटी है। करेक्ट, अमीर बाप की बेटी जरूर है लेकिन पत्नी नहीं है ना। ओह ऐसी। आप यहाँ कैसे? मुझे मिस्टर पुरी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। लेकिन आप तो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। जी हाँ, कोशिश तो की थी मगर बन ना सकी, सोचा मॉडलिंग शुरू कर दूं। आपने बिल्कुल सही सोचा। You're wanted by the boss. Excuse me. राम सिंह जी, मेरी सिनेमा की टिकट ये लीजिए। थैंक यू। ये दे बाबू। हेलो, बॉम्बे पब्लिसिटी? यस, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ, कल वो डिजाइन पहुंच जाएंगे, नॉट टू वरी सर। यस, ओके। अरे आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो गया। यू आर वेरी स्वीट। यस यस, लगता है काम हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। नॉटी। अच्छा मैं चलती हूँ, गिव माय लव टू रश्मि। आई विल। बाय। यस सर, कमिंग। हाय रोहित, चला गया वो लड़की। अरे ना रंग ना रूप चली आती मॉडलिंग के लिए। बुरी तो नहीं थी सर, शी वाज़ ओके। तुम जानता हो सर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नाउ माइंड, कीप इट अप, कीप इट अप। एक मॉडल की फोटोग्राफ आई है, देखोगे तो छुट्टी हो जाएगा। लुक एट, जस्ट हैव अ लुक एट इट। सी सी सी, लुक एट दिस नाइस आईज। And this alluring face. Look at this height. And this jaw. What a beauty. And how about this? Yeah. क्या हुआ? पसंद नहीं आई? खूबसूरत चीज किसको पसंद नहीं आती सर? That's right. इसको फौरन हमारा कंपनी के लिए बुक कर दो। नेशनल पब्लिसिटी के लिए लिखो कि हमारा फ्यूचर कैंपेन में सिर्फ यही मॉडल मांगता है। और सुनो, इनको ये भी लिख दो कि अगर ये लड़की एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारा कंपनी के लिए काम करना सकता तो हम कुछ भी देगा। Come on, come on. तुम देखना, I will make her something. आ गए। अजीब बात है, जब देर से आते थे तो शिकायत होती थी, आज जल्दी आया हूँ तो सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सवाल मैं भी पूछूं, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या बताऊं रोहित, ये शॉपिंग का चक्कर बड़ा टेढ़ा होता है। बिल्कुल रोहित बाबू, वैसे तो ये बात हर औरत पे लागू होती है लेकिन खासकर शॉपिंग करने वाली आपकी बीवी जैसी शहर की टॉप मॉडल हो तो साथ देने वाले का भी दम निकल जाता है, isn't it? You are right. मैं तो एक मिनट के लिए भूल ही गया था कि रश्मि सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि बंबई शहर की सबसे मशहूर मॉडल भी है। हर जगह हर दफ्तर में आजकल यही चर्चा हो रही है। अरे लोग तो इनकी तस्वीर देखकर पागल हो रहे हैं। उस समय समय की बात है रोहित बाबू, कल तक रश्मि जी घर में अकेली बैठी बैठी बोर होती रहती थी और आज आपकी मेहरबानी से हम बोर होते रहते। अगर ऐसे चलता रहा मुझे तो डर है कि बाहर वालों की तरह हम घर वालों को भी इनसे मिलने के लिए इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कैसी बातें करते हो रोहित, तुम्हारे साथ किया हुआ कोई वादा मैं कभी भूली हूं क्या? तो क्या तुम्हें याद था आज हम लोग पिक्चर देखने जाने वाले थे? I'm sorry, ये बात मुझे याद ही नहीं रही। कोई बात नहीं डार्लिंग, वैसे भी हाउसफुल था, टिकट ही नहीं मिले। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। रश्मि जी ये पैकेट यहाँ रख लीजिए। अच्छा, लगता है कि दिन में पूरे महीने भर की शॉपिंग कर ली। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक दिन की शॉपिंग है और वो भी कंपनी के अकाउंट पर। मतलब मैं समझाता हूँ रोहित बाबू, कुछ ही दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ा फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसमें हिंदुस्तान की एक से एक खूबसूरत लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है कि रश्मि जी के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। मेरा भी यही ख्याल है। और अगर जीत गई तो 50,000 का इनाम भी है रोहित। हाँ, और मुफ्त में सारी दुनिया की सैर भी। जरा सोचो तो रोहित, कितना मजा आएगा, हम सारी दुनिया की सैर करेंगे। हम? तुम और मैं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें छोड़कर अकेली चली जाऊंगी? कभी नहीं। कब है वो शो?
अगले महीने की 6 तारीख को। खिदमत है आज के प्रोग्राम का सबसे खूबसूरत आइटम जिसका आप लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, यानी जजों का फैसला, जिसे खुद मिस्टर एम पुरी पेश करेंगे। मिस्टर एम पुरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने इंडिया का टॉप मोस्ट ब्यूटीज और टॉप मोस्ट मॉडल्स को हमारा स्टेज पर देखा। अब हम आपके सामने पेश करता है फैशन कम ब्यूटी कंटेस्ट का विनर। और सेकंड रनर अप मिस मारुख पटेल फ्रॉम बेंगलोर। और फर्स्ट रनर अप मिस पल्लवी फ्रॉम दिल्ली। Gentlemen, we present to you the fashion queen of 1974, Miss Rashmi from Bombay. Please accept my heartiest congratulations. Thank you. Thank you very much. Madam, may I congratulate you? Oh, Chetan. Oh, God. Oh, dekha to yeh ka. Abhi dhoond kar lata. Okay? Excuse me. Arey, Rohit Babu, aap yahan kya kar rahe hain? Kuch bhi nahi. Arey, aapne ab tak Rashmi ko phool bhi nahi diye? Pais dene ja hi raha. कमाल है, आपको तो सबसे पहले रश्मि को बधाई देनी चाहिए थी। बाय द वे,
बीबी की कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू। अगर आप ये मुबारकबादी रश्मि को पर्सनली दें तो ज्यादा अच्छा। आप तो उनके पति हैं ना? मैं समझी थी आप दोनों एक हैं, लेकिन मैं भूल गई थी कि कभी कभी इंसान की अचानक कामयाबी उसे अपनों से दूर और परायों के करीब कर देती है। Will you please stop it? Sorry. रोहित, लो तुम यहाँ खड़े हो और मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम मुझसे मिले बिना क्यों चले आए? बोलो 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 बोलो। I'm sorry darling, वो क्या है वो? बोलो ना। तुम इतनी बिजी थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओह मिस्टर रोहित, यू हैव मिस्ड अ टेरिफिक शो। डार्लिंग, इट वाज अ सुपर शो। जानते हो, शहर के बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे थे। अगर तुम वहाँ होते ना तो मैं तुम्हें उन सबसे मिलाती। हाँ रश्मि, जिस महान हस्ती से मिलने के लिए सारा शहर बेताब था, जब वही मेरी बाहों में है तो मुझे उन लोगों की परवाह नहीं। तुम सचमुच खुश हो ना रोहित? हाँ रश्मि, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, यू आर फैंटास्टिक। आज मैं इतनी खुश हूँ कि जी चाहता है चिल्ला चिल्ला कर सारी बंबई को सर पे उठा लूँ। नहीं नहीं रश्मि जी, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। लोग चिल्लाएंगे जब कल की अखबारों में आपकी तस्वीरें छपेंगी। आई टेल यू, इट विल बी अ ग्रेट हंगामा। कितना मजा आएगा, इतना दाम, इतनी शोहरत, अनगिनत तोहफे, 50,000 का इनाम, दुनिया भर की सैर। मुझे ऐसे लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ, उड़ रही हूँ। मिस्टर रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन क्यों, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। लवली, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चेतन, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा दे देता हूँ। मुझको? डॉक्टर, मुझको कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ, उन्हीं के लिए। ओ, जाओ तो, यही बना रहा था कुछ। रश्मि, रश्मि, आज तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जानती हो, हम जल्द से जल्द 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। नहीं नहीं नहीं, इतने बच्चे एक साथ नहीं, कुछ भी हो लेकिन घर में रौनक बहुत हो जाएगी। अरे रश्मि, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक तरफ किस्मत ने तरक्की की राहें खोल दी और दूसरी तरफ उन राहों पे चलने से पहले मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी। रश्मि, बच्चा बेड़ी नहीं होता, वो तो फूल होता है जिसे देख के माँ बाप अपने पूरे दुख भूल जाते हैं। लेकिन इंसान को जिंदगी में इतना बड़ा चांस भी तो बार बार नहीं मिलता रोहित। चांस? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अगर भगवान ने चाहा तो हम तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराएंगे। रश्मि, बच्चा अपनी किस्मत देकर ही नहीं आता बल्कि माँ बाप की किस्मत भी चमका देता। रोहित, मैं बच्ची नहीं जो इस झूठी तसल्ली से बहल जाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो रोहित? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? कि इस बार ये बच्चा ना हो। रश्मि, अरे पगली, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है और मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं, बुरी बातें भूल जाओ, अच्छी बातें सोचो, अच्छे अच्छे सपने आएंगे। करेक्ट? ओह माय सिटी पाप। मैम साहब, नीचे आपका टेलीफोन आया। मेरा फोन? जी पर फोन करवाता हूँ। हाँ, ओके। चेतन जी, जी मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले चलिए, प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। आप घबराइए नहीं, मैं अभी टैक्सी मंगवाता हूँ। हेलो, द बॉस इज इन। थैंक यू, मैं उनसे मिलने आई हूँ।
मुझसे कुछ नाराज हैं? क्यों? उस दिन पार्टी में मैंने आपसे नशे में कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी, आपने बुरा तो नहीं माना? मैं गिरोही औरतों की बातों का बुरा नहीं मानता। रोहित बाबू, जिंदगी में उठने के लिए कभी कभी औरत को गिरना भी पड़ता है। अगर आप आज तक ये बात नहीं समझ सके तो रश्मि बहुत जल्द आपको समझा देगी। Shut up! रश्मि और तुम में बहुत फर्क है। ये फर्क तब तक था जब तक वो फैशन क्वीन नहीं बनी थी, लेकिन आज? आज क्या? आज हम दोनों में सिर्फ डिग्री का फर्क है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि रश्मि की मांग मुझसे ज्यादा है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और रोहित बाबू उसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आज वो डॉक्टर बासु के क्लिनिक में भी गई थी। बाय। रोहित, जन्मदिन मुबारक। क्या बात है, तुम कुछ माफ करना, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए कोई खास इंतजाम नहीं कर सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं, डॉक्टर वासु से मिलकर आ रहा हूं। ओह, तो तुम्हें पता चल गया है कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया है। ये तूफान आया नहीं है, लाया क्या है? मुझे गलत मत समझो रोहित, मेरा विश्वास करो। तुम्हारा ये रूप देखने के बाद भी तुम पर विश्वास करूं? तुम्हारा ख्याल है कि मैंने ये जान? हाँ, तुमने अपने करियर के लिए मेरे बच्चे की जान ली है। नहीं रोहित, नहीं। तुमने 50,000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी को कुर्बान कर दिया। नहीं रोहित। तुमने दुनिया की सैर करनी थी, इसलिए तुमने उस रुकावट को हटा दिया जो तुम्हारे रास्ते में आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है रोहित। तुम्हें मेरे बच्चे से ज्यादा अपने जिस्म की खूबसूरती से प्यार है। नहीं रोहित, नहीं। हर पत्नी माँ बनने को अपना सौभाग्य समझती है, लेकिन तुम एक ऐसी औरत हो जिसने भगवान के दिए सौभाग्य को भी कलंक में बदल दिया। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। छोड़ दो मुझे। तुमने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे तुमसे तो क्या, तुम्हारे साय से भी नफरत है। नहीं रोहित, रोहित मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ रोहित। आज शाम जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह बैठा। मैं रश्मि रोहित साहब, जन्मदिन मुबारक हो।
कौन जानता था कि आज आपको प्रेजेंट देने के लिए जिस तूफान की तस्वीर मैंने बनाई थी वो तूफान सचमुच मेरी खामोश जिंदगी में खलबली मचा देगा। प्यार की जिस डोर के सहारे मैंने आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ना चाहा था, नीचे गिरने के बाद मालूम हुआ कि वो डोर कितनी कच्ची थी। मैं जा रही हूँ रश्मि। हेलो रोहित बाबू, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। रश्मि जी कहाँ? चली गई घर छोड़कर। क्या कह रहे हैं आप? मगर हुआ क्या था? There must be something. आपने कुछ कहा था? हाँ, मैं कहने पर मजबूर हो गया था। उसने मेरे बच्चों का अपने करियर पर कुर्बान कर दिया। क्या? नहीं नहीं रोहित बाबू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। That was an accident. एक्सीडेंट? जी हाँ, वो मेरी आंखों के सामने सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मैं खुद उनको डॉक्टर के पास ले गया था, बस गलती हुई कि मैं आपको फोन पर बता नहीं सका। ये तुम क्या कह रहे हो चेतन? मैं सच कह रहा हूँ रोहित बाबू, मैंने फोन पर आपसे झूठ कहा था कि रश्मि जी घर पे नहीं है। लेकिन लेकिन क्यों? क्योंकि रश्मि जी नहीं चाहती थी कि यह खबर सुनकर आप परेशान हो। हेलो हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हेलो रश्मि, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हेलो रश्मि, तुम क्यों हो गई? किसका फोन है रश्मि? हेलो रश्मि, तुम बोलते क्यों नहीं? ओ आप हैं, मैं मोती बोल रहा हूँ। मोती बाबू, मुझे रश्मि से एक मिनट बात करनी है, प्लीज। होल्ड ऑन प्लीज। रश्मि, रोहित का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर रोहित, रश्मि मेरे सामने खड़ी है लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मोती बाबू, प्लीज उन्हें बुला दीजिए, प्लीज। जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता? और मुझे उम्मीद है आइंदा आप उसे कभी फोन करने की तकलीफ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? गुड बाय। हेलो रोहित बाबू, आप पर्सनली जाकर मिल लीजिए, मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। सरकार आप? रामू, मेम साहब को खबर कर दो। घर में तो कोई है नहीं सरकार। घर पे कोई नहीं है? कोई नहीं। कहाँ गए सब लोग? मैम साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए बड़े मालिक और मोती बाबू उनको लेकर कहीं बाहर गए। कब तक लौटेंगे? ये तो बता के गए नहीं सरकार। अच्छा, वो आएंगे, उनसे कहना। क्या कहना सरकार? कुछ नहीं। अच्छा नमस्ते। क्या हुआ भांजे, वो लोग मिले? उनके बाहर चले गए। कितने दिन के लिए? बता के नहीं गए। ओ, अरे हाँ भांजे, तुम्हारे नाम एक रजिस्ट्री आई है। रजिस्ट्री? हाँ ये लो। इसमें क्या है भांजे? वकील का नोटिस है। दीवान साहब तलाक के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। तलाक? ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? नोटिस में तो ये लिखा है। इन्होंने तो राय का पर्वत बना दिया। छी 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 छी, दीवान साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल है रश्मि ऐसी लड़की नहीं है, जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। तुम उसे एक बार जाके मिल क्यों नहीं लेते? कहाँ मिलूं मामी, उनका पता भी तो नहीं है। दिल छोटा ना करो भांजे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम अब करोगे क्या? शहर वाली तो नौकरी तुमने छोड़ दी, तुम कहो तो वो स्टेशन मास्टर वाली नौकरी के लिए फिर से कोशिश करो। सक्सेना साहब क्या सोचेंगे? अरे इसमें सोचना क्या है, अपने ही आदमी है, कुछ ना कुछ करेंगे ही। जैसे आपकी मर्जी मां। सक्सेना साहब, मेरे भांजे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ललित बाबू, लेकिन रोहित
तुमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की, जो अच्छी खासी नौकरी को ठुकरा कर चले गए। उस वक्त ज्वाइन करते तो कोई एक लास्ट स्टेशन मिल जाता। लेकिन सर क्या कोई स्टेशन खाली भी? खाली भी होगा तो कोई बी या सी क्लास स्टेशन। मुझे कोई एतराज नहीं सर, कोई भी क्लास चलेगा। अच्छा देखो, दीनापुर स्टेशन पर एक एसएम की जगह खाली है, करोगे? मुझे मंजूर है सर। भाई सोच लो, छोटा सा स्टेशन है, वहां शहरवारी कोई बात नहीं, चारों तरफ पहाड़ और जंगल है, और गांव में भी मुश्किल से कुछ 100-150 आदमी रहते होंगे। सर मुझे ऐसी जगह चाहिए। तो ठीक है, तुम तैयारी करो, बाकी मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। सही भाई, दरअसल मैं अपने एक दोस्त दीवान सरदारी लाल की दावत पर यहाँ आया था। दीवान सरदारी लाल? शायद तुम जानते होगे, तुम्हारी उधर कहीं है, उनकी बहुत बड़ी टिम्बर एस्टेट है। जी सर, उनका नाम सुना है, लेकिन कभी मौका मिला तो मिलवा दूंगा। बहुत अच्छे आदमी है, शिकार के वो भी बहुत शौकीन है, और मैं भी। पिछले कई दिनों से करीमगंज के इलाके में उनका कैंप लगा हुआ है। करीमगंज के इलाके में? हाँ, वो तो मुझे और भी रोकना चाहते थे, लेकिन तुम जानो बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी मिली। आज वापस जा रहा था, सोचा अपने रोहित से मिलता चल। शिकार पे दीवान साहब अकेले आए हैं? नहीं, उनके दामाद और बेटी भी साथ है। Come on, friend, help yourself, help yourself. लेकिन आप तो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे माफ कर दो, भूल जाओ पुरानी बातें। बातें भूलने के लिए नहीं होती रोहित बाबू,
और फिर वो बातें जो जिंदगी का रुख बदल दे, कोई भूल भी कैसे सकता है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो रश्मि। गलत फहमी और झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन उसके कारण जीवन भर का साथ तो नहीं छोड़ देते। जो साथ बोझ बन जाए उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। नहीं नहीं रश्मि, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरी भूल की मुझे काफी सजा मिल चुकी है, और जानती हो मैंने वो शहर ही छोड़ दिया जिसकी रंगीनियां हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। यहाँ दीनापुर में मुझे स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल गई और साथ में रहने के लिए छोटा सा क्वार्टर भी। वहां हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां सिर्फ हम होंगे, हमारा प्यार होगा। प्लीज रोहित, तुम रश्मि तुम अंदर जाओ। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? अपनी पत्नी को लेने आया। कौन पत्नी, कैसी पत्नी? अब रश्मि के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते बाबूजी। मेरी भूल की आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, रश्मि से मुझे अलग मत कीजिए। शायद तुम नहीं जानते, वो खुद तुमसे अलग होना चाहती है। क्या कह रहे हैं? जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका सबूत तुम्हें हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो भी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट? नहीं नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए, मैं वादा करता हूँ रश्मि को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उसके सुख और चैन के लिए मैं अपने आप को भी बेच डालूंगा। बको मत, जीने के लिए सेंटीमेंट्स की नहीं दौलत की जरूरत होती है। है तुम्हारे पास दौलत? बाबूजी प्लीज प्लीज। मोती इसे बाहर निकाल दो। बाबूजी, बाबूजी सुना नहीं तुमने बाबूजी ने क्या कहा? हाँ, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा बाबू, आप मुझे कितना भी मार लीजिए लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो मेरी पत्नी है। रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है, और तुम अपने आप को बेच कर भी दौलत पैदा नहीं कर सकती। शादी के बाद तुमने रश्मि को दिया ही क्या है? गरीबी, जिल्लत, भूख, और फिर तुम दे भी कह सकते हो? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारी हस्ती क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? बीवी को लेने आए मोती बाबू, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मैं रश्मि को लिए बिगड़ नहीं जाऊंगा। बादल बफरदार, इसकी जबान इतनी जल्दी भूल गई। अंतर की जबान मैं भी जानता हूं मोती बाबू। अगर आज मेरे और रश्मि के दरमियान आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने जलील सरकारी के हैं। चाहता कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूं, लेकिन कुत्ते भी तुझे मुंह लगाने से इनकार कर देंगे। तुम लोग रश्मि को बेचना चाहते हो ना? दौलत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, एक दिन आऊंगा, दौलत लेकर आऊंगा, उसे खरीद के ले जाऊंगा।
मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था मैं? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के स्टेशन मास्टर मिस्टर रोहित हैं? जी हाँ, बात क्या है? कल रात यहाँ कोई लड़की आई थी। लड़की? कैसी लड़की? एक नौजवान और खूबसूरत लड़की, उसके हाथ में काले रंग की एक अटैची थी। ये अटैची किसकी है? ये अटैची उस लड़की की है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रोहित। मेरा कसूर क्या है? क्या किया मैंने? ये आपको अपने घर चलकर पता चलेगा। हवलदार, ये अटैची ले आओ। लेकिन चलिए। She has been murdered. लेकिन लाश आपके घर से मिली, लाखों का माल आपके ऑफिस से मिला, और आप पूछ रहे हैं ये खून किसने किया? आपको मतलब मैंने ये खून नहीं किया है? इस बात का फैसला अदालत से होगा। लेकिन मिस्टर रोहित, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन ये चलिए। सिन्हा, आप मिस सोनिया को कैसे जानते थे? वो मेरी सौतेली बहन थी। तो ऐसी कौन सी बात हुई जिसने आपको मिस सोनिया का पीछा करने पर मजबूर किया? वकील साहब, वो हमारे खानदानी हीरे जवाहरात चोरी करके भाग गई थी। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। हाँ तो मिस्टर सिन्हा, जब आप दीनापुर स्टेशन पहुंचे, वहां क्या हुआ? हम सीधा मुलजिम के पास गए और सोनिया के बारे में पूछा। उन्होंने हमसे साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने सोनिया को देखा ही नहीं। फिर? लेकिन उनकी बातों से और घबराहट से हमें यह महसूस हुआ कि वो हमसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद हम सीधा उनके घर गए। वहां जाके आपने क्या देखा? सोनिया की लाश। मिस्टर सिन्हा और मिस्टर तिवारी 14 तारीख की रात को पुलिस स्टेशन में आए और रिपोर्ट की कि इनकी बहन मिस सोनिया का खून हो गया है और उसकी लाश स्टेशन मास्टर रोहित कुमार सक्सेना के क्वार्टर में पड़ी हुई है। मैं जब इन्हें लेकर इनके क्वार्टर में पहुंचा तो मैंने देखा कि वाकई मिस सोनिया की लाश फर्श पर पड़ी थी।
मैं रोहित को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि खून इसी ने किया है। ये झूठ है योर ऑनर। मैंने मिस सोनिया का खून नहीं किया। मैंने मिस सोनिया की अटैची अपने सेफ में जरूर रखी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसमें पड़े हुए हीरे जवाहरात में मुझे कोई दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि वो अटैची उसके लिए जान का खतरा बन सकती थी। आपके कहने के मुताबिक आपने मिस सोनिया को खतरे से बचाने के लिए उनकी अटैची अपने सेफ में रख दी, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसके बाद उन्हें अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि इतने छोटे से स्टेशन पर रात के वक्त एक लड़की के रहने का इंतजार नहीं था। तो आप उन्हें अपने ऑफिस में ठहरा सकते थे? ऑफिस एक सरकारी जगह है वकील साहब, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा, और इसके अलावा मुझे डर था कि लोग उल्टी सीधी बातें ना करें। और घर में ठहराना आपने मुनासिब समझा, जहां आपके सिवा दूसरा कोई नहीं रहता? वो मैंने बोलिए, जवाब दीजिए। मैं जानता हूं आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मिस सोनिया को जानबूझकर आपने अपने घर में पना दी ताकि मौका पाते ही आप उन्हें अपने रास्ते से हटा सके और उनके जेवरात पर कब्जा कर सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल से वो बात कहलवाना चाहते हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। वास्ता है योर ऑनर। बीनापुर स्टेशन के लाइन्समैन मक्खन सिंह के बयान के मुताबिक मुलजिम ड्यूटी का इतना पाबंद था कि एक बार स्टेशन आने के बाद वो वापस घर नहीं जाता, लेकिन उस रात मुलजिम दो बार घर गया। पहली बार सोनिया को घर छोड़ने के लिए और दूसरी बार उसका खून करने के लिए। नहीं नहीं जैसा नहीं, दूसरी बार मैं उनके लिए सिगरेट लेकर गया था क्योंकि उन्होंने फोन पर मुझसे रिक्वेस्ट की। लेकिन सिगरेट देने के लिए आप किसी दूसरे आदमी को भेज सकते थे, आपको ड्यूटी छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? इसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अब मैं इस केस के तीसरे पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा योर ऑनर। मुलजिम रोहित कुमार सक्सेना बुनियादी तौर पर एक लालची और दौलत का भूखा इंसान है, और इसका सबूत है मुलजिम के ससुर दीवान साहब का बयान, जिसके मुताबिक मुलजिम ने दौलत के लालच में उनकी छोटी लड़की को बहका कर उससे शादी कर ली, और जब वो दीवान साहब की दौलत हासिल करने में नाकाम रहा तो उसने अपनी मासूम बीवी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। तंग आकर बेचारी अपने बाप के घर लौट आई, लेकिन जब मुलजिम से उसने छुटकारा पाने के लिए तलाक लेना चाहा, तो मुलजिम ने दीवान साहब से 5,00,000 रुपया मांगा। दीवान साहब ने उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। तब मुलजिम मिलना गया और मौके की ताक में रहा, और वो मौका उसे दिया मिस सोनिया ने खुद अपनी जान से हाथ धोकर। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत मुलजिम रोहित कुमार सक्सेना को मिस सोनिया का खून करने के जुर्म में मौत की सजा दी जाए। That's all, Your Honor. Mr. Bakshi, you can start your arguments. Thank you, Your Honor. मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर एक ऐसे खून का इल्जाम लगा रहे हैं जिसका चश्मदीद गवाह कोई नहीं। अदालत के सामने जितने भी गवाह पेश किए गए हैं उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि उसने अपनी आंखों से मेरे मुवक्किल को खून करते हुए देखा है। मेरे काबिल दोस्त ने न सिर्फ रोहित जैसे पढ़े लिखे जिम्मेदार सरकारी नौकर पर इल्जाम लगाया है, बल्कि उसके चाल चलन पर उंगली भी उठाई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मिस सोनिया का खून किसने किया, क्यों किया? तो साफ जाहिर है योर ऑनर कि मिस सोनिया का खून उन्हीं लोगों ने किया जिनको यह मालूम था कि मिस सोनिया के पास हीरे जवाहरात हैं। उन्होंने उसका पीछा किया और मिस्टर रोहित के क्वार्टर में उसे अकेला पाकर उसका गला घोट दिया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका इस मुकदमे से खास ताल्लुक है। इजाजत है, आप गवाह पेश कर सकते हैं। रश्मि, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
मिसेस सक्सेना, आपका मिस्टर रोहित से क्या संबंध है? वो मेरे पति है। क्या ये सच है कि पिछले चंद महीनों से आप अपने पति के पास नहीं बल्कि अपने डैडी के पास रहती थी? जी ये सच है। क्या ये सच है कि आप अपने पति से तलाक भी चाहती थी? जी मैं तलाक नहीं चाहती, बल्कि मेरे डैडी और जीजा जी मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। मिसेस सक्सेना, जब आप अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी और वो आपको लेने आए तो आप उनके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि उस वक्त तक मैं भी उन्हें गलत समझती थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कौन सा ऐसा घर है जहां पति पत्नी में गलतफहमियां नहीं होती, झगड़े नहीं होते। यही सोचकर रात को मैंने किसी से कुछ कहे बगैर घर से निकली और सीधी दीनापुर पहुंच गई। मैं जैसे ही रोहित के क्वार्टर के पास पहुंची तो मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती? साधी, तू समझती थी हमें धोखा देकर भाग जाएगी? पता कौन सा है? छोड़ दूँ तुझे। साधी, तू समझती थी कि हमें धोखा देकर भाग जाएगी? पता कौन सा है? अरे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। पता कौन सा है? नहीं जानती है? तू नहीं जानती? बता तेरे के लिए? तू ऐसे ही मारेगी है? बजती बजाती अपनी गाड़ी तक पहुंच गई और वापस अपने डैडी के घर चली गई। मैं बुरी तरह से डर गई थी, मेरी जबान को जैसे ताला लग गया। मैं इस बात का जिक्र किसी से न कर सकी, लेकिन जब मैंने अखबार में पढ़ा कि उस लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पति पर मुकदमा चलाया जा रहा है तो मैं यहाँ आए बगैर नहीं रह सकी। जज साहब, मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये खून मेरे पति ने नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। मिसेस सक्सेना, क्या आप उन दोनों को देखकर उन्हें पहचान सकती हैं? जी हाँ, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो जरूर पहचान लूंगी। तो गौर से देखकर बताइए, क्या वो दोनों यही हैं? हाँ, यही है, यही है वो लोग जिन्होंने उस लड़की का खून किया था। योर ऑनर, इन दोनों का अदालत से भागना ही इस बात का सबूत है कि मिस सोनिया का खून मिस्टर रोहित ने नहीं बल्कि इन दोनों ने किया है। तिवाड़ी और सिन्हा के अदालत से भागने की कोशिश है, ऐसा लगता है कि मिस सोनिया के खून में इन दोनों का हाथ है, लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मिसेस सक्सेना के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मिस सोनिया की मौत गला घोंट देने से हुई। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिस सोनिया की गर्दन पर उंगलियों के जो निशान मिले हैं वो मुलजिम रोहित कुमार सक्सेना की उंगलियों के नहीं, लिहाजा अदालत रोहित कुमार सक्सेना को मिस सोनिया के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। रोहित,
और एक